शांति। इन आंखों से दिखाई देने वाला संसार न दिखाई देने वाले संस्कारों की प्रतिछाया है। एक बार जब मैं आबू रोड से अहमदाबाद जा रहा था तो मैंने बहुत गौर से अपनी कार के विंडो से सड़क के दोनों ओर नजर रखी तो मैंने देखा कहीं कहीं बीच में खेत भी थे पर अधिकतर जगह पर हजारों एकड़ में फैले हुए जंगल थे, कांटों के जंगल थे। मैं सोच रहा था कि इन जंगलों को किसने उगाया होगा, कौन इन कांटों के पेड़ पौधों को आकर पानी पिलाता होगा, कौन इनकी रक्षा करता होगा, इनको जानवरों से बचाता होगा। और अगर इसी जगह पर हमको या अपने घर में भी 10x10 का एक बगीचा तैयार करना हो तब हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। केवल नर्सरी से पौधे लाकर रोप देने से ही बगीचा तैयार नहीं हो जाता है, परंतु रोज उन्हें पानी देना, रोज उनकी रखवाली करना, चिड़ियाओं से बचाना, जानवरों से बचाना, कितनी मेहनत होती है। उन्हें खाद भी देना पड़ता है तब जाके वो बगीचा तैयार रहता है। ऐसे ही हमारा मन एक धरातल है, धरती है, जिस पर संस्कारों की खेती होती है। लेकिन ध्यान में रहे, अगर हमने इस खेती पर ध्यान नहीं दिया, इन संस्कारों की खेती पर ध्यान नहीं दिया, तो यहां पर कांटे उग जाएंगे। कांटे माना दुख देने वाले। कौन देता है दुख? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, वैरभाव, अनेक कांटे। और ये कांटे दुख देते हैं। और उन कांटों को उगाने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सवेरे टीवी खोलेंगे तो कांटे उगने में मदद कर देंगे, समाचार पत्र देखेंगे तो कांटे उगने में मदद करेंगे, अपने मित्रों के साथ जाके बैठेंगे तो कोई न कोई बात ऐसी होगी जो फिर कांटे उगने में मदद कर देगी। ये सब स्वतः चलता रहता है, लेकिन इसी मन रूपी धरातल पर जो भ्रकुटी, जो हमारा निवास स्थान है, इसी मन रूपी धरातल पर अगर हमें फूलों का बगीचा बनाना है, फूल क्या है? देवी गुण, अच्छे गुण, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति, भलाई करना, मदद करना, सच बोलना, ये सारे देवी गुण है। इन देवी गुणों को अगर बगीचा बनाना हो तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सहज नहीं रहता, लगातार इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। कांटों के जंगल को किसी से बचाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई वहां जाना पसंद नहीं करता।
लेकिन फूलों के बगीचों को बहुत सेफ करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई फूल तोड़ना चाहता है, हर कोई वहां जाना चाहता है। वहां जाने में सुख भी मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से के स्वभाव वाला होगा, दुख देने वाला होगा, और अगर आपको कुछ कहा जाए कि आप यह किताब उस व्यक्ति तक पहुंचा दो, तो आप बहाना ढूंढेंगे कि आप नहीं जाकर और किसी को भेजना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो कोई न कोई उल्टी बात सुनाएगा, मन को दुख हो ऐसी कोई न कोई वो बात कर देगा, इसलिए आप वहां जाना अवॉइड करते हैं, आप किसी न किसी दूसरे को भेजते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छी बात करता है, जो आपकी महिमा करता है, जो आपको खुशी देने वाली बात करता है, जो आपको शुभ समाचार सुनाता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास हम जाने के लिए भी बहाना ढूंढते हैं कि कोई कारण मिले कि हम उस व्यक्ति के पास जाएं, कोई कोई न कोई रास्ता हम ढूंढते हैं। और अगर जाना भी हुआ तो हम चाहते हैं कि थोड़ी देर और बैठे उसके पास, थोड़ी देर और उससे बात करें, क्योंकि वह हमें सुख देता है। तो हम जो आज बात करेंगे वह सुख के संस्कार की बात करेंगे, कि हमारे संस्कार सुख देने वाले संस्कार हो, दुख देने वाले संस्कार नहीं हो। अगर हमें सुख की दुनिया बनानी है, सुख की दुनिया में जाना है, सुखी रहना है, तो हमें सुख देना पड़ेगा। पड़ेगा भी नहीं कहेंगे, ये हमारी चॉइस है, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हमको करना पड़ेगा। जो हम अपने प्रति चाहते हैं वह हमें दूसरों के प्रति भी करना पड़ेगा। तो आप तो सभी जानते हैं कि यह दुनिया का जो चक्र है, यह रात दिन के चक्र की तरह है। चाहे घनी अंधेरी रात हो, थोड़ी देर बाद सुबह हो ही जाती है। इसी प्रकार इस दुनिया में अभी भले चारों तरफ कलयुग दिखाई दे रहा है, कलयुग है ना, कलयुग नाम से ही हमारे सामने चित्र खड़ा हो जाता है कि जहां एक दूसरे को दुख देने का ही काम करते हैं, वो है कलयुग। हर प्रकार से, मन से, बोल से, कर्म से, संबंध से, साधनों से, हर प्रकार से दुख देना ये कलयुग की निशानी है। नाम तो उसी हिसाब से होगा ना, जैसा वहां की विशेषताएं होगी उसी हिसाब से नाम होता है। जब बहुत सर्दी लगती है तब मौसम का नाम भी सर्दी होता है, जब बहुत गर्मी लगती है तब मौसम का नाम भी गर्मी होता है। ऐसे ही ये जो दुख देने वाली दुनिया है, इसको कलयुग कहा जाता है। और इस कलयुग के बाद नई सतयुगी दुनिया आएगी, जैसे रात के बाद सुबह होती है। तो नई सतयुगी दुनिया में की क्या विशेषता है? वहां सभी एक दूसरे को सुख देते हैं, मन से भी सुख देते हैं, अपनी वाणी से भी सुख देते हैं, और अपने कर्मों से भी सबको सुख देते हैं। तो हर कोई वहां सुखी है, लेकिन क्या वहां जाकर हम सुखी होने के लिए कोई प्रयास करेंगे? नहीं, वह प्रयास हमें अभी करने हैं। जैसे एक SDM है, वह SDM बनने के बाद IAS की एग्जाम क्लियर नहीं करता है, लेकिन IAS की एग्जाम क्लियर करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद SDM की पोस्ट पर
जॉब करता है। तो इसीलिए अगर हमें सुखी संसार बनाना है, सुखी संसार में जाना है, सुख में ही रहना है, अपना जीवन सुखी बनाना है, तो सुख के संस्कार बनाने के प्रयास हमें अभी से करने होंगे। और यह केवल कहने मात्र से, मंत्र की तरह रटने मात्र से नहीं हो जाएगा, लेकिन संस्कार निर्माण एक प्रक्रिया है। देयर इज अ प्रोसेस एंड वी हैव टू पास थ्रू दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस से पास होकर ही हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर पाएंगे। आपने सिगरेट पीने वाले को देखा होगा, वह सिगरेट छोड़ना भी चाहता है, उसके मित्र संबंधी भी उसको सिगरेट छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है कि वह अपने उस संस्कार को बदल सके। कितना भी गुस्सा करने वाला व्यक्ति दूसरों को तो कहेगा मेरे साथ शांति से बात करो, लेकिन वह गुस्से से ही बात करेगा। उसको पता है गुस्सा करना अच्छा नहीं है और गुस्से के कारण नुकसान भी हो रहा है, संबंध भी टूट रहे हैं, फिर भी उससे गुस्सा आ ही जाता है क्योंकि संस्कार है। और जानते हुए भी पूरा प्रयत्न नहीं करने के कारण छूटता नहीं है। तो अगर हमें संस्कारों की बदली करना है, हमें अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं, तो मुख्य दो बातों पर हमें ध्यान देना होगा। कोई खर्च नहीं करना है, कोई विशेष मेहनत भी नहीं करनी है, लेकिन दो बातों पर अगर हम अटेंशन देंगे तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तन सदा काल के लिए कर सकेंगे। और जो पॉजिटिव दुनिया हम चाहते हैं, उस पॉजिटिव दुनिया में हम जा सकेंगे, वो पॉजिटिव दुनिया हम बना सकेंगे अगर हमने अपने संस्कारों को पॉजिटिव बना दिया। तो किन दो बातों पर ध्यान रखना है? पहली बात है स्वयं के लिए मेहनत करना, स्वयं को बहुत मेहनत करना है। गीता में कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू मन मेरे में लगा, तू मन मेरे में लगा। अर्जुन कहता है यही तो मुसीबत है कि मन ही नहीं टिकता है, भाग जाता है, आप में लगता ही नहीं है, वो संस्कार ही उदय नहीं हुए कि आप में लगते हैं। मैं क्या उपाय करूं मन को आप में लगाने के लिए? तो बड़ा सुंदर उत्तर मिलता है, अशंशय महाबाहो मनो दुर्लिभम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते ये वैराग्येण चक्रियते। इसका अर्थ है कि निसंदेह हे महाबली अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, यह मन चंचल घोड़े की तरह है जो एक जगह पर नहीं टिकता है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। तो हमें भी अगर संस्कारों का परिवर्तन करना है तो निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। इन निरंतर अभ्यास के द्वारा ही यह संभव है। और वो निरंतर अभ्यास क्या है? जो हम अपना सब कार्य करते हुए भी कर सकते हैं, हमको कोई कार्य छोड़ना नहीं है, सब कुछ करते हुए वह अभ्यास करना है। वो जो मैं अपने लिए अभ्यास करता हूं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दिन भर में 101 बार गुण विशेष करने का, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, हरेक के लिए 101 कम से कम बार गुण विशेष करने का। जैसे कोई आपको फोन आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूं, ऐसा किसी का फोन आता है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो? आप दूर बैठे हो पर आप गुण विशेष तो दे ही सकते हो कि आप चिंता नहीं करो, बहुत अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर बहुत होशियार है,
वो बहुत अच्छी तरह आपको ट्रीटमेंट करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ये गुड विशेष तो हम दे ही सकते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, उसका आपके पास मैसेज आता है, उसको गुड विशेष दीजिए कि आपका ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह चलेगा, आपको बहुत धन धान्य पूर्ण बनाएगा, आपको बहुत सुख देगा। ये गुड विशेष तो हम कर सकते हैं। कोई एग्जाम के लिए जा रहा है, उसको गुड विशेष दे सकते हैं कि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम एक्यूरेट हो जाएंगे, नंबर वन पास हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहो, हिम्मत रखो। तो हम कोई भी गुड विशेष के शब्द बोल भी सकते हैं, अपने मन से भी हम गुड विशेष उनको दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि बोल के देवे, कभी ऐसी भी परिस्थितियां होती है कि जब हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे मन में तो गुड विशेष हो ही सकती है। तो दिन में 101 बार जो है हम गुड विशेष जरूर देवे, किसी न किसी को, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, घटना को, जो भी हमारे ध्यान में आता है, सामने आता है, उसे हम गुड विशेष अवश्य देवे। उसके बाद दिन में 51 टाइम्स हम थैंक्स अवश्य करें। आप सवेरे से देखेंगे कितने लोग आपकी मदद करते हैं, कितना आपका फेवर करते हैं, कितने लोग आपके कार्य को सरल बना देते हैं, कितने लोग आपको निश्चिंत बना देते हैं। तो उन सब के लिए एक धन्यवाद तो बनता ही है, दिल से, बाहरी से नहीं, लेकिन दिल से धन्यवाद। ये एक आदत बन जाए कि कोई भी जरा भी हमें फेवर करे, किसी भी रूप में फेवर करे, हम उसका फायदा देखें कि उसने फेवर किया, ये हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना हमें बल दे रहा है, और उसे धन्यवाद अवश्य करें। ये ग्रेटिट्यूड का जो एटीट्यूड है वो हमारी लाइफ में परमानेंट बन जाना चाहिए। अगर कोई पानी का ग्लास भी लाके देवे तो हमको उसको धन्यवाद जरूर करना है। कोई हमें बोलने का चांस देता है तो भी हमें उसे धन्यवाद जरूर करना है। कोई हमें रास्ता देता है तो भी हमें उसे धन्यवाद जरूर करना है। कोई अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है तो भी हमें उसका धन्यवाद जरूर करना है। ऐसा नहीं कि वो तो अपनी ड्यूटी की, उसमें मुझे थैंक्स देने की क्या जरूरत है। नहीं, हमें थैंक्स देना है कि हमारा कार्य उससे इजी हुआ। तो यह बड़ा आग्रह पूर्वक, समझ पूर्वक हमें यह कार्य करना है जो हमको 51 टाइम दिन में किसी न किसी को धन्यवाद जरूर देना है। आप चाहे तो एक व्यक्ति को दो बार भी दे सकते हैं, लेकिन देना जरूर है। और तीसरा अभ्यास है, दिन में कम से कम 21 बार अप्रिशिएट करना। आप देखेंगे कि आपके साथ कार्य करने वाले, आपके साथी सहयोगी, आपके मित्र संबंधी जो आपके परिचय में आ रहे हैं, उनमें कोई ना कोई विशेषता है और वो उस विशेषता को कार्य में लगाकर अच्छा परिणाम लाते हैं, आपको फेवर कर रहे हैं, उनकी विशेषता की प्रशंसा करना। ये कोई चापलूसी करना नहीं है, ये कोई गलत महिमा करना नहीं है, लेकिन जिस आत्मा में जो विशेषता है, उस विशेषता को पहचान कर उसका प्रैक्टिकल शब्दों में महिमा करना, अप्रिशिएट करना। कहते हैं महिमा तो भगवान को भी प्रिय होती है, तो जब महिमा भगवान को प्रिय होती है तो मनुष्य को प्रिय क्यों नहीं होगी। तो हम उसकी महिमा करें, अप्रिशिएट करें, दिल से अप्रिशिएट करें। उसने जो कर्म किया है उसमें विशेषता बताते हुए अप्रिशिएट करें। आप देखेंगे कि ये तीन अभ्यास अगर हम रोज करते हैं, गुड विशेष, थैंक्स, अप्रिशिएशन, तो हमारी आदत पड़ जाएगी,
अभ्यासेन तु कौनते, ये अभ्यास करने की आदत पड़ जाएगी तो संस्कार परिवर्तन अवश्य होगा। कैसे होगा? नहीं, अवश्य होगा। और दूसरा, आत्मा कमजोर हो चुकी है, उसे शक्ति चाहिए। गुस्सा करने वाला जानता है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, फिर भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है जो वो गुस्से को कंट्रोल कर सके, या गुस्से को कंट्रोल भी नहीं, गुस्सा आने से पहले ही भाव परिवर्तन कर सके, इसके लिए शक्ति चाहिए। और वो शक्ति मिलेगी शक्ति पुंज परमात्मा पिता से, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सुप्रीम फादर है, हम सब के पिता है परमात्मा पिता, उनसे हमें वो शक्ति प्राप्त होगी। तो उसे पहचान कर राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अगर निरंतर उससे कनेक्टेड रहते हैं तो वो शक्ति के पुंज से शक्ति हमारे जीवन में आती जाएगी, और जो शक्ति हमें प्राप्त होगी उससे हम अपने पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त करके नए सतयुगी गोल्डन एज वाले पॉजिटिव संस्कार बना सकेंगे, और उन संस्कारों को हम प्रैक्टिकल में फील करेंगे कि हाँ, जो दुख देने के संस्कार थे वो अभी सुख देने के संस्कार बन गए हैं। ये हमें याद रहे कि जो हम देते हैं वही मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है। तो हम अगर हमें सतयुगी सुख की दुनिया में जाना है तो हमको सुख देना होगा, सुख के हमारे संस्कार बनाने होंगे, ये बहुत जरूरी है, और ये कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे बताया कि जो दिखाई देने वाली दुनिया है वह न दिखाई देने वाले संस्कारों की प्रतिछाया है, इसलिए संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।